हे गाइस, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। कांस में छाया हिना खान का ग्लैमरस अवतार, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में ड्रीमी है एक्ट्रेस का लुक। कांस 2022 फिल्म फेस्टिवल से हिना खान का दूसरा लुक सामने आया है। ब्लैक नेट की शॉर्ट ड्रेस में हिना का लुक इतना ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस है कि उनकी फोटो से नजरें हटाना भी मुश्किल हो रहा है। हिना की स्टाइलिश शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में नेट की लंबी टेल भी है जो उनको पूरा कर रही है। हिना के इस ड्रेस को अगर हम फ्रंट ओपन कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ड्रेस की फ्रंट पर सिर्फ नेट का डिजाइन है। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। शैलेश लोढ़ा छोड़ रहे हैं तारक मेहता का शो, प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिया ये जवाब। पिछले दो दिन से खबरें हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता और शैलेश लोढ़ा शो को क्विट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मेकर संग शैलेश की कुछ अनबन चल रही है, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। वही अब खुद शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने रिएक्ट किया है। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने इन अफवाहों पर आज तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये सूत्र कौन है जो अफवाह फैला रहे हैं, ना ही इस पर शैलेश लोढ़ा ने कोई ऑफिशियल बयान दिया और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा कहा है, लेकिन पिछले दो दिनों से न्यूज ने परेशान कर दिया है। अगर कुछ भी होता है तो इसकी जानकारी जरूर दे दी जाएगी। टीवी कतर का, तीसरी टॉप न्यूज। पति जैद संग बिग बॉस में एंट्री करेंगी गौहर खान। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें थी कि बिग बॉस OTT सीजन 2 में गौहर खान अपने पति जैद दरबार के साथ एंट्री करने वाली हैं। ये खबर सुनते ही गौहर खान के फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी बीच गौहर खान ने बिग बॉस OTT 2 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गौहर ने बताया है कि वो अपने पति के साथ बिग बॉस OTT 2 का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं। जिया डेली चक्कर से खास बातचीत में गौहर खान ने बताया है कि मुझे अब भी बिग बॉस OTT 2 का ऑफर नहीं मिला है, हालांकि लोग मुझे बिग बॉस OTT 2 के लिए बधाइयां दे रहे हैं। मुझे लोगों को लगातार फोन आ रहे हैं, अगर मेरे पास बिग बॉस OTT का ऑफर आया तो मैं एक बार जरूर सोचूंगी। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। दिव्या अग्रवाल ने रोहित शेट्टी को शो को मारी लात, इन कारणों से ठुकराया अच्छा खासा ऑफर। दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस OTT में देखा गया था, जिसमें उनका बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। उनकी इसी बेबाकी के लिए उन्हें रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के कारण दिव्या अग्रवाल ने रोहित के शो को लात मार दी। इस बात की जानकारी दिव्या अग्रवाल से जुड़े सूत्र ने दी। सूत्र ने एक्ट्रेस को लेकर कहा, दिव्या मेकर्स के लिए परफेक्ट नाम थी, क्योंकि उनका डेयरडेविल एटीट्यूड लोगों को बेहद पसंद है, हालांकि वो शो में नजर नहीं आएंगी। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। ससुराल सिमर का 2 के इस एक्टर ने छोड़ा शो। ससुराल सिमर का 2 शो में गगन नारायण नाम का किरदार निभाने वाले एक्टर आकाश जग्गा ने शो को छोड़ दिया है। खबरें हैं कि अब आकाश शो का हिस्सा नहीं है, हालांकि आकाश के शो से जाने की क्या वजह थी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। अमरीक के डेट ट्रैक पर बोले उड़ारिया के अंकित गुप्ता, बताया कैसा था सेट का माहौल। इन दिनों उड़ारिया शो में अमरीक की मौत का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जिस पर अब शो के लीड एक्टर अंकित गुप्ता ने खुलकर बात साहिब की है। इंडिया फोरम से बातचीत में अंकित ने बताया कि ये सीन कितना इमोशनल कर देने वाला था। अंकित कहते हैं, ये असल में हमारे लिए एक इमोशनल पल था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं सच में रोना बंद कर दूंगा, लेकिन जब हमने उस सीन के लिए कैमरा रोल किया तो आंसू छलक पड़े। इस सीक्वेंस में अभिषेक ने शानदार अभिनय किया। जब मैं सीन के बाद खुद को संभाला तो अभिषेक फिर से रो रहे थे। टीवी का तड़का, सातवीं रात की टॉप न्यूज। पूनम पांडे की चीप पब्लिसिटी पर भड़के यूजर्स, सड़क पर फल खरीदते हुए दिए वल्गर पोज। दरअसल हाल ही में पूनम पांडे अपनी कार में बैठकर फल खरीदने निकली। फलों की दुकान पर पूनम को देखकर पापराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया और पूनम ने भी उन्हें कई पोज दिए। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूनम हाथ में आम लेकर जुबान निकालकर अश्लील एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। सड़क पर फलों को इस तरह से वल्गर एटीट्यूड के साथ खरीदने पर लोग पूनम पांडे को अब जमकर लताड़ लगा रहे हैं और उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।